हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक पंकज गेमिंग आर एक्स चैनल। और आज फिर से खेलेंगे इंडियन मोड चैलेंज। और मैप का नाम क्या था भाई? मैप का नाम देख लेना यार, मैंने एक वीडियो में बताया था आपको। तो अपना जो सीजन है भाई, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक मिनट दिखाऊँ आपको यार, इससे पहले मैंने थोड़ी देर पहले लाइव स्ट्रीम की थी, बिल्कुल भाई चल नहीं रही थी, सही लैग कर रही थी। तो आज हम एक काम छोड़ के भाई क्या करने वाले हैं, ट्रॉली को यहाँ पे लगा देते हैं, तूड़ी बनाएंगे भाई एक बंदे की। यार बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है भाई, बोल रहा है भाई बना दो, मेरे पशु आज भाई भूखे मर रहे हैं। तो वहाँ पे जा रहा हूँ मैं बनाने तूड़ी। तो मैंने सोचा चलो यार, 2 दिन भाई अपने किले रह गए हैं, उसको बाद में भी निपटा लेंगे, इतना भी है भी नहीं ज़रूरी। तो उस बंदे का भाई मतलब कि एमरजेंसी है भाई, बोल रहा है यार जल्दी बना दो तूड़ी बना दो। तो मैंने सोचा चलो यार, इतने दिन से पीछे पड़ा है तो तूड़ी आज उसकी बना देते हैं। तो ज़्यादा तूड़ी नहीं भाई, उसको 2 ट्रॉली चाहिए। अगर 2 ट्रॉली बन जाए, बोल रहा था बहुत है उसका, मतलब कि खेत, 2 खेत हैं भाई, अभी देखने पड़ेंगे उसमें से निकलेगी तूड़ी कि नहीं। तो खेत भी उसके आपने देखा होगा उस तरफ है, जहाँ पर 855 नहीं चढ़ा था। आपको दिखाता हूँ पहले भाई, ऐसा करते हैं तूड़ी वाला रिपन को बाय कर लेते हैं। देखो भाई अपनी फसल काट के कितना टाइम हुआ है, घास फूस लगना स्टार्ट हो चुका है फसल में। भाई अपना यार बिजनेस छोटा है और हमने यार बहुत सारे इम्प्लीमेंट बाय कर लिए, अब तूड़ी वाली मशीन को भी बाय करना पड़ेगा। एक मिनट देखूं कहाँ है यार लाइव स्ट्रीम। भाई मैं इसलिए करता हूँ यार, आपकी आपके साथ यार बातचीत हो जाए अच्छे से, और जो भी प्रॉब्लम है आपकी यार मैं लाइव पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो इसलिए लाइव आता हूँ। और तो भाई गेम प्ले तो अच्छा चलता है अपना। 1 ट्रॉली चाहिए हमें, 1 ट्रॉली की जरूरत है, क्योंकि अपना बिजनेस, एक मिनट कहाँ गई ये रही। अरे हाँ भाई, आज तो लिंक भी देने हैं आपको, लिंक देने हैं भाई आज ट्रैक्टर के, सॉरी ट्रैक्टर के देने हैं, न्यू हॉलैंड 3630 के। ये क्या है? अच्छा फेंडर, मेन कलर रेड, इसको बाई कर लेते हैं क्योंकि जरूरत तो है ही हमें। ये आ गया भाई अपना, 855 रेस दे के रखा है, रेस भाई इसकी बांध दी है यार, कम नहीं होती है। अरे यार पीछे डालना भाई, ट्रेलर आगे नहीं डालना है, 855 के पीछे डालेंगे, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और भाई गाड़ा ज़्यादा भी लग जाए तो कोई उसमें लोड नहीं लेता 855 अपना। ये तो भाई उस तरफ है यार, उस थोड़ा सा खेत है यार भाई, सही नहीं है, उस खेत में चलते हैं। उसका खेत मेरे घर के पीछे ही है, आपने देखा ही होगा भाई, यहाँ से जाना पड़ेगा। ओ भाई ओ तेरी भाई, टूटा फूट तो नहीं होगी ना अपनी, बच के बच के। ओ यार खेत में, एक मिनट है यार, यही खेत है कि भाई और है, 2 मिनट देखने दो यार, और आधा खड्डे वाला खेत है भाई, खड्डे वाला खेत तो यही है यार, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। एक और भी है भाई खड्डे वाला खेत, उस तरफ है उसमें तो नहीं। हाँ भाई ये है यार खड्डे वाला खेत अपना, सॉरी सॉरी, ये देखो खड्डे वाला खेत, ये बड़ा है खड्डा। तो उसने मुझे प्रॉपर बताया नहीं था भाई, बोला था जो खेत में खड्डा है वहाँ पर अपना वो है भाई तूड़ी बनानी है। इसने तो भाई कल्टीवेटर कर दिया, ये पता नहीं किसका खेत है, इसने तो भाई एकदम अच्छे से कल्टीवेटर करके भाई अभी तक लगाया नहीं कुछ। तो बोल रहा था भाई खड्डे वाला खेत है, खड्डे वाला खेत है, तो मेरे ख्याल से भाई यही खड्डे वाला खेत है सबसे बड़ा, पर नहीं भाई वो दूसरा खेत है, सॉरी गलत आ गए हम। खड्डे वाले खेत से भाई मुझे यही याद आता है, सबसे बड़ा खड्डा यहाँ पे ही है ना, तो उसका दिमाग से निकल गया था भाई, वो भी खेत है एक। चलो कोई नहीं, मिस्टेक हो जाती है भाई थोड़ी बहुत। ये चला 855 अपना। ओ भाई वो उतर गया मैं तो भाई इसका रंग बहुत चेंज करने वाला था, थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा लग रही है मुझे भाई, देखो कहाँ तक पहुँच गई। चल भाई भाई 855 हमारे भाई, चोटा लखाना आगे, चोटा भाई टैंकी फुल करवाई है इसकी, कल मैंने बस फसल काटने के बाद चला गया था, अभी देखो तेल भी थोड़ा सा पी गया भाई, आने जाने में भाई इतना पी जाता है। ये है भाई खेत, तो ये तो भाई कोई कम का नहीं है, यहाँ से स्टोव वगैरह उठाना अपना भाई ब्लेड टूट सकता है। तो ये है उसका खेत भाई खड्डे वाला,
पिछली बार भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मत्था मारा था हमने, आपको पता ही होगा। अभी पाइप को अनफोल्ड करते हैं और एक कोने से स्टार्ट करते हैं। पाइप अपनी अनफोल्ड नहीं हुई अभी तक, अभी हो रही है। लिफ्ट को गिराते हैं नीचे इसकी। अरे हो गई भाई, अनफोल्ड तो की थी यार मैंने पाइप, हो गई नहीं रही है। हो गई हो गई। अभी ये प्रॉब्लम एक और आएगी भाई, इसका माल नहीं उठाएगा, ये तूड़ी वाला रिपर माल नहीं उठाएगा। ये तो उठाएगा पर ट्रॉली में नहीं गिरेगा। देखो अभी इसकी लिफ्ट की हाइट काफ़ी ऊपर है और पाइप हमारी बिल्कुल नीचे चली गई। या तो हम कर सकते हैं, नहीं वो उससे नहीं होगा। अरे यार ये क्यों खुल गया? अरे यार ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया, ट्रॉली की हुक्स बहुत ज़्यादा हो गई। अभी खुला है, अभी बताता हूँ आपको। एक मिनट, आगे भी हुक है यार अपने, यहाँ पे भी हुक लगी एक, हट गई क्योंकि एक टाइम पे एक ट्रैक्टर पे एक ही हुक लगती है। तो यहाँ पर हुक है जो काफ़ी ऊपर लगती है ट्रैक्टर की। भाई रेस देख लो, रेस देख के रखा है। तो हम नीचे के जितने नीचे करेंगे उतनी भाई अच्छा रहेगा। ये नीचे हो गया और थोड़ा सा पीछे भी करेंगे भाई हुक को, क्योंकि ये हुक भाई कुछ ज़्यादा ही। अरे हो जा पीछे है भाई, ट्रैक्टर के टायर के साथ लग रहा है सब कुछ सिस्टम इसका। बिल्कुल प्रॉपर आया भाई, अब माल भी बिल्कुल ट्रॉली में डलेगा अपना। और ट्रॉली ट्रैक्टर से थोड़ा दूर है। ये देखो भाई माल गिरना स्टार्ट हो चुका है। अरे यार गिर भी गया थोड़ा बहुत। मैंने भाई लिफ्ट नीचे रखी नहीं है यार। अच्छा लिफ्ट नहीं भाई, नीचे रखी थी। ये देखो फुल आरपीएम पे चल रहा अपना ट्रैक्टर, फुल आरपीएम, क्योंकि भाई फसल भी गीली है यहाँ पे, सॉरी पराली भी गीली है यार। उसको कहा था मैंने धूप लगा देना, इसलिए भाई तूड़ी नहीं बनती, आपको पता ही है पराली की तूड़ी नहीं बनती है। तो धूप लगा के भाई एकदम कड़क कर दिया। तो ये रीपर भाई घास की भी, मतलब कि घास होगा उसको भी कचरा कतरा करके भाई तूड़ी बना देगा, उसका भी ऐसा कर लेगा, चूरमा बना देगा। सभी कामों के लिए ये मशीन है ये। ये भाई ढेर ज़्यादा है यहाँ पे, 855 का घेड़ा कम करना पड़ेगा। ओ भाई अभी भी भाई ज़्यादा। भाई कटाई सही है ट्रैक्टर की यार, पर भाई यहाँ से यार थोड़ा सा हमें यार ऐसा लग रहा है भाई खेत थोड़ा सा हमने गलत काटा है, हमने नहीं काटा। तो देखो कैसे कैसे कहाँ भाई इसकी स्टोव पड़ी हुई है यार, उठाना मुश्किल है, लाइन में नहीं है, एक कतार में नहीं है। और बताना भाई टोचन वाली वीडियो आपको अच्छी लगती है भाई, जहाँ पर ट्रैक्टर फंस जाए और निकालें उसको टोचन डाल के। तो मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा मतलब व्यू आते हैं उस पर बिना किसी रीजन के मैं बना नहीं सकता। अभी क्या करूँगा, आप फिर बोला कि भाई क्या गेम बना रहे हो, अब कोई रीज़न होगा भाई उसी वजह से ट्रैक्टर फंसेगा ना। अभी मैं ट्रैक्टर में यहाँ पे खड्डा डाल दूँ, खुद फंसा दूँ और बोलूँ भाई ये देखो फंस गया ट्रैक्टर, तो ऐसा भाई रियलिटी ख़त्म हो जाती है। तो उस दिन तो भाई किसी का खेत था, निकालने के वक्त भाई फंस गया था, वो मतलब कि एक स्टोरी बन जाती है। तो मैं जान के भाई एक यहाँ पर अभी खड्डा डालूँ और बोलूँ भाई खड्डे में फंस गया, पहले तो था नहीं, खुद डाला होगा। इसलिए भाई जो लोग हैं वो फिर बोलते हैं भाई खुद खड्डा डाल के बेवकूफ़ बना रहा है। तो गेम के बीच में ही भाई ऐसे जो सीन हो जाते हैं भाई, जो देखने में रियल लगते हैं रियल। और बताना फिर मैं कोशिश करूँगा भाई स्टोरी बनाने की ऐसी कि उसमें ट्रैक्टर जाए फंसे और टोजन डाल के निकालें उसका भाई, मतलब पूरा जोर लगाएँ। अगर ऐसी वीडियो पसंद है तो भाई कमेंट में बताना, ज़रूर बताना ज़रूर मेरे भाइयों। ऐसा मतलब कि जैसे ट्रैक्टर किसी के भाई चला गया खेत में काटा है, किसी का ढेर ढेर लगाना है वहाँ पे, ऐसी जगह है भाई ट्रैक्टर चढ़ नहीं सकता है। तो ऐसे ही कुछ बताया करो भाई, आप भी मुझे थोड़ी राय दिया करो यार स्टोरी वगैरह की। ये तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया भाई, अगर आप भी चाहते हो आपकी स्टोरी भी ऐड की जाए तो इस मैप के रिलेटेड कोई भी कहानी बता सकते हो आप मुझे पूरी इंस्टाग्राम पर, कि भाई ऐसे करना चाहिए, अभी ये खेत होना चाहिए। पर भाई रियल लगे यार, ऐसा नहीं मतलब कि अभी जाके खड्डा कर दो वहाँ पे और फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, अभी खड्डा कर दिया, अभी टूट गया ये टूट गया, ऐसा नहीं। मतलब
किसी के खेत में गया, मैं उस तरह से डिजाइनिंग करूँगा उस खेत की, जैसे बोलोगे भाई ऐसी जगह होनी चाहिए थी, ऐसी जगह होनी चाहिए, अभी यहाँ पर ट्रैक्टर फंसना चाहिए था, तो ऐसा कुछ बताना चाहिए आपको। अगर बताना चाहते हो आप कहानी बताना चाहते हो भाई, स्टोरी है यार सिर्फ स्टोरी। मैं भी गेम बनाता हूँ भाई से एक स्टोरी की तरफ। अब ये सोचा दिमाग में ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करेंगे, फिर ऐसा ऐसा ही होता है भाई। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है, मैंने आपको पहले बताया था, कमेंट में बता दो या इंस्टाग्राम पे बता दो। अपनी ट्रॉली भरने वाली है, अरे 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 माल गिर रहा है, गिर रहा है, वो उठा लिया उठा लिया। 855 की परफॉर्मेंस अच्छी है, पर भाई बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ सकता यार, सुपर इसका बिकन ऑन कर लें। एक ही खेत का अभी भाई ऑर्डर आया मुझे, तूड़ी का आया नहीं भाई किसी का, यार बोला ही नहीं किसी ने तूड़ी, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स ही नहीं है भाई किसी के पास। कोई आएगा बेचने के लिए आएगा भाई थोड़ी बहुत तूड़ी बनाने के लिए, ये भर गई ट्रॉली अपनी। एक दो भाई और गिरेगी तो ये भर जाएगी ट्रॉली। 99% 99% हो गई भाई, ये भाई 100% हो चुकी है अपनी ट्रॉली भी। अरे यार ये क्यों उतर गया भाई, ये भी उतारना ही था वैसे। एक ही ट्रैक्टर से काम लेना पड़ेगा, तो भाई कोरोना का यार बहुत ज़्यादा खौफ फैला हुआ है यार। चलो कोई नहीं, ये ट्रॉली भर चुकी है, अभी उसके घर में छोड़ाते हैं यार। तो उसका घर भी भाई इधर उल्टी साइड ही है भाई, मतलब कि पास में ही है, वो सामने दिख रहा है उसका ही घर है। तो घर में देखना पड़ेगा भाई जगह जुगा है उसके कि नहीं। तो लास्ट में एक बार बताया था भाई कुर्सी वगैरह लगी हैं वहाँ पे, टेंट वगैरह लगे हैं, और ये है घर उसका, देखना पड़ेगा। अच्छा गेट गेट के अंदर माल उतारना भाई, यहाँ कहाँ भाई उतरेगा माल, ये तो गेट खोलता नहीं भाई, जाम हुआ है। ये उसका घर है भाई, तो मैं अभी उतारूं कहाँ। इसको हटा देता हूँ भाई, लो भाई जगह बन गई थोड़ी सी, बाद में लगा लेगा। सही है भाई, अपने यहाँ पर उतारने लाइक बन चुकी है। इसको भी भाई कर देता हूँ थोड़ा सा हाइड, किया भाई गायब नहीं हुआ है, हाइड हाइड बाद में सही हो जाएगा। तो अभी ट्रॉली यहाँ बैग आ जाएगी, आराम से उतर जाएगी, तो इसका मेरे ख्याल से ये स्टोर वगैरह है। अभी पता नहीं भाई, इसके जानवर तो है नहीं, पता नहीं अभी क्या करेगा क्या नहीं करेगा। एक ट्रॉली यहाँ पे उतार देता हूँ, एक यहाँ उतार देता हूँ यार पड़ोसी के घर में, दो ट्रॉली मांग रहा था। ट्रैक्टर सीधा तो नहीं जाएगा भाई, नहीं जाएगा, पैक करके जाना पड़ेगा, अभी पता लगेगा भाई अपनी ड्राइवरी का, मुंडी घुमानी पड़ेगी। सिंगल टायर ट्रॉली, ओ तेरी की, तुम्हारा ही बेड़ था यार, आ गया। चल 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 भाई, सिंगल टायर ट्रॉली का पता नहीं लगता भाई कहाँ जा रही है। चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई भाई, दिख नहीं रहा पीछे। एक बार मुंडी भाई बाहर बाहर जानी चाहिए थोड़ी सी, बाहर को कैसे जाएगा, ये अंदर की तरफ आ रहा है। हाँ भाई, ओ हो, ट्रॉली तो भाई जाली में अटका दी है, अभी दिख रहा है अच्छे से। ये भाई हुक 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 लग गई, हुक लग गई, हुक हुक। अरे यार उल्टा चलाना ट्रैक्टर भाई बहुत मुश्किल है यार, ऐसे चलाना आसान है, पर यह ऐसे देख के भाई स्टीयरिंग का बटन का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। थोड़ा और बाहर देख लें यार, सीधा भाई स्टीयरिंग सीधा रखते हैं अभी, ये ऑटोमेटिक घूम रहा है। ओ ओ ओ ओ भाई टकरा गया टकरा गया टकरा गया, एक तो पेड़ भी भाई गलत तरीके से लगाए हैं, अभी दिख भी नहीं रहा अच्छे से। तो दो ट्रॉली बनाने के लिए कहा था, एक ट्रॉली हो चुकी है। ओ ओ भाई एक मिनट है यार, कसम से भाई बहुत दिक्कत है यार, बैक बैक ड्राइवर नहीं है भाई, सीधे हैं। अरे यार यहाँ से अभी सीधा होना है भाई, जगह तो बहुत ज़्यादा है यार, हमें आ नहीं रहा है भाई ट्रैक्टर पैक करने।
ऐसे तो कर लेंगे, पर हम रियल देख रहे हैं भाई, रियल वाले आदमी कैसे करते हैं बैग, क्योंकि वो तो पीछे से देख नहीं सकते। अकेला भाई जो ड्राइवर होता है वो भी कर लेता है आराम से, इधर से भी देखना पड़ेगा। लो भाई पक्के ड्राइवर हम भी हैं। ये ट्रॉली लगा दी भाई आराम से, कंट्रोल आई। लो भाई माल जो गिरना स्टार्ट हो चुका है, इस बार भाई ढेर बहुत बड़ा लगेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा। ओ भाई रुक, वो तोड़ दिया भाई उसका घर, बचा हो गया भाई, बचा हो गया। देखो भाई यहाँ दो ट्रॉली आने वाली थी, बता एक ट्रॉली भी भाई मुश्किल से आएगी इसकी, एक प्रोसेस के घर। यार इसका गेट तो बहुत छोटा है यार दोस्तों, गेट बहुत छोटा है यहाँ भाई, कैसे ड्राइवरी अपनी होगी। इतने बड़े में आई अपनी ट्रॉली नहीं घूमी हमसे भाई, उसकी कुर्सियाँ वगैरह तो डूब गई हैं। चलो कोई नहीं भाई, मेरे ख्याल से रहता नहीं होगा यहाँ पे, बस ये सेल के लिए रखा हो गया। ओह फंस गया, 855 फंस गया, झटका लगाना पड़ेगा। चल ओ ये क्या हो गया, हाथ क्या हो गया, निकल गया निकल गया। और ट्रॉली भी अपनी खाली हो चुकी है, इसके डिफरेंशियल किसने बंद किए। ओ भाई रुक, चलो भाई सब कुछ ऑन कर दिया भाई, इसका डिफरेंशियल बंद किए थे, डिफरेंशियल लॉक, क्योंकि डिफरेंशियल लॉक सॉरी ऑन ऑन थे भाई, बंद किए हैं। डिफरेंशियल लॉक तभी ऑन करना चाहिए जब ट्रैक्टर फंसे। डिफरेंशियल लॉक के बारे में बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं होगा, मेरे भाइयों जिसको नहीं पता मैं अभी बता देता हूँ। डिफरेंशियल लॉक तब काम करता है जब कोई गाड़ी या ट्रैक्टर में भी, अभी तक तो भाई गाड़ी में तो पता नहीं, सुना है कई गाड़ियों में आता है। डिफरेंशियल लॉक तब काम करता है जब ट्रैक्टर फंस जाता है। आपने देखा होगा जब ट्रैक्टर आपके हिस्से निकालते हो, गाड़ी के हिस्से निकालते हो, तो जिस तरफ कीचड़ वगैरह होता है भाई, तो कीचड़ में क्या होता है भाई, इस एक टायर जो समझ लो ये वाला कीचड़ में फंस गया, तो कीचड़ में क्या होगा भाई, ट्रैक्टर का ये टायर स्लिप करेगा, बाकी नहीं करेगा कोई भी, तो बाकी बांध बंद हो जाते हैं भाई, वो स्लिप करता है। आपने देखा ही होगा भाई, ब्रेक लगाते हो तो एक ट्रैक्टर का एक टायर रुक जाता, दूसरा चलता रहता है, ऐसे भाई कीचड़ में होता है। कीचड़ में ये भाई या तो ये रुक जाएगा या वो चलता रहेगा, मतलब दोनों कभी कभी काम करेंगे। तो जैसे ज़्यादातर भाई कीचड़ में जो टायर फंस जाता है वही घूमता है, दूसरा जाम रहता है, तो उस वजह से भाई वही टायर जोर लगाता है, दूसरा बंद रहता है। तो यहाँ से ट्रैक्टर तो निकलेगा नहीं, आपको पता है भाई, एक बंद है एक चल रहा है, तो जो फंसा है भाई वो चल रहा है, दूसरा जो बाहर है वो नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर डिफरेंशियल काम आता है। डिफरेंशियल को दबाने से क्या होता है भाई, जितने भी अगर गाड़ी 4x4 है तो 4x4 कीचड़ में फंसी है तो उसके चारों टायर चलेगी जैसे मर्जी। तो ट्रैक्टर का भी भाई, ये टायर बंद है सॉरी फंसा है, दूसरा वैसे नहीं चल रहा है, तो डिफरेंशियल लॉक लगाने से दोनों ट्रैक्टर के टायर बराबर जोर लगाएंगे। अगर आपने देखा होगा डिफरेंशियल लॉक क्यों काम आता, अगर आप चाहते डिफरेंशियल लॉक हो सकता था हमारे ट्रैक्टर में परमानेंटली, उन्होंने एक्स्ट्रा क्यों दिया, तो जब आप मोड़ काटते हो देखना, तो ट्रैक्टर का ये टायर है जो पीछे वाला या आगे वाला, तो ये थोड़ी ज़्यादा दूरी से घूमता है, और ये जो है इस साइड वाला जो यहाँ पे है ना भाई, अभी देख रहे हो पीछे, तो ये थोड़ी सी जगह में घूम जाता है, तो उस टायर को घूमने के लिए ज़्यादा घूमना पड़ता है, इसको कम घूमना पड़ता है। यहाँ पे डिफरेंशियल लॉक है भाई, बिल्कुल काम नहीं करेगा। आपको पता है एक चाल होनी चाहिए ट्रैक्टर की, अगर एक चाल हुई तो भाई टायर घूमेंगे नहीं, आपको पता है, या टूट हो सकती है। तो डिफरेंशियल लॉक तब लगाते हैं भाई जब कीचड़ में फंस जाए। अगर डिफरेंशियल लॉक लगा के आप चलाओगे ट्रैक्टर, अगर ज़रा सा भी मोड़ा भाई, डिफरेंशियल लॉक टूटेगा और पता नहीं अंदर से क्या टूटेगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रैक्टर के दोनों के टायरों की चाल है जो बराबर होगी जैसे आप घुमाओगे, तो इसकी तो भाई चाल कम होनी चाहिए, पर उसकी भी इतनी होगी क्योंकि डिफरेंशियल लॉक लगा है, तो उस वजह से टूट फूट पक्का है। तो अभी तो समझ आ गया होगा भाई डिफरेंशियल लॉक क्या होता है ट्रैक्टर में, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ भाई, बोलता जा रहा हूँ डिफरेंशियल लॉक लगाओ डिफरेंशियल लॉक लगाओ, तो ये है भाई सबसे बड़ा मतलब कि डिफरेंशियल लॉक का। अरे मैं कर क्या रहा हूँ भाई, तूड़ी की ट्रॉली के पीछे ट्रॉल, बातों बातों में भाई ध्यान नहीं दे रहा। तो मैं भी भाई बहुत उत्सुक था डिफरेंशियल लॉक जानने के बारे में, कैसे कैसे होता है भाई, मैंने 4-5 वीडियो देखी फिर उसके बाद समझ आ गया भाई। मैं भी सोचता भाई ट्रैक्टर फंसता है डिफरेंशियल लॉक लगाते हैं उससे हो क्या जाता है, तो अभी फिर समझ आया भाई हिस्ट्री अपनी कैसे कैसे क्या होता है। अभी आप मोटरसाइकिल ले लो भाई, अगला टायर आप जब घुमाओगे, अगला टायर ज़्यादा दूरी से घूमेगा, पिछला टायर पास से घूम जाएगा, उन टायरों की ये जो चाल बराबर नहीं है, पिछला वाला जल्दी घूमेगा ना, जो उसकी चाल है जो कम होगी, जो आगे वाला घूम रहा है भाई थोड़ा सा गैप से ज़्यादा घूमेगा तो उसकी चाल ज़्यादा होगी। तो डिफरेंशियल लॉक लगाने से भाई चालें एक जैसी हो जाती है,
डिफरेंस लोग जैसे लगाओगे ट्रैक्टर के चारों टायर होंगे या दोनों टायर होंगे वो एक ही गति से घूमेंगे, कोई कम नहीं। अगर आप मोड़ काटोगे फिर भी एक ही गति में घूमेंगे, तो एक ही गति में भाई नहीं घूमने चाहिए। अगर आपको पता ही ट्रैक्टर जब घुमाते हैं तो एक टायर कम घूमता है एक टायर ज़्यादा घूमता है जितनी दूरी से घूमेंगे, तो वहाँ पर टूट फूट हो सकती है, ठीक है ना। अभी तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे भाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, सब पता है भाई इंजन के बारे में भी, इंजन कैसे काम करता है भाई सब, ट्रैक्टर के बारे में, गाड़ियों के बारे में भाई कोई चक्कर नहीं है। डिप्लोमा किया भाई मैंने होशियारपुर मुकेरियाँ के पास में पंजाब, 3 साल का किया भाई मैकेनिकल इंजीनियर का, तो सब नॉलेज वगैरह है। मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ भाई कि मैं इंजीनियर हूँ, पर मेरे से भाई पहले से दिल में इच्छुक थी भाई कोई चीज़ कैसे काम करती है, जब तक उसको खोलना ना भाई तब तक चैन नहीं आता था मेरा भाई। शुरू से ही ऐसा मतलब इंटरेस्ट था मैकेनिकल में, घर में भाई पानी वाला इंजन खोल देता था भाई, खोल तो देता था भाई जुड़ता नहीं था, फिर देखा ही होगा भाई एक सिलेंडर होता है पानी वाला होता है कुछ इंजन होता है, तो वो भाई 2 मिनट में खुल जाता है ऐसे भाई, 4 नट ऊपर लगे होते हेड के भाई, उसको घुमा के पिस्टन बाहर फिर जोड़ना है भाई, जोड़ते वक्त कुछ नहीं आता था। इसका क्लच प्लेट भाई डलवाने वाला है 855 का लग रहा है मुझे भाई, इसकी जो गेड़ा बन नहीं रहा है, भाग नहीं रहा है मतलब कि फुल रेस पे क्लच ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैक्टर दब रहा है। चलो कोई नहीं, देखेंगे यार, सीजन तो निकाल दिया यार इसने ट्रैक्टर ने, काफ़ी टाइम हो गया भाई, क्योंकि यार जोर भी काफ़ी लगा अपने ट्रैक्टर का, आपको पता ही भाई कहाँ कहाँ इतनी इतनी बड़ी ट्रॉली निकालना यार, बस की बात कहाँ थी भाई ट्रैक्टरों। एक मिनट यार, अपनी रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? एकदम मस्त चल रही है भाई, मैं 22 मिनट की हो गई है अपनी रिकॉर्डिंग यार भाई, एक ही वीडियो डाल पा रहा हूँ, सॉरी यार एक दिन में भाई ये एक वीडियो भी यार 7 GB की 8 GB की बन रही है, मैं क्या करूँ यार। देखा ही होगा भाई कितना बेकार नेट, लाइव स्ट्रीम भी नहीं हो पाती है यार भाई, PTO देखो हुक पे ऊपर ही लग चुकी है, तो 2 ट्रॉली बनानी थी उसको, जैसे मैसे 2 ट्रॉली बना दो भाई, 2 हो जाएंगी, थोड़ी सी बच जाएगी, 1-2 लाइन में हो जाएगी 2 ट्रॉली, और तोड़ी वाले मशीन भी घर में लेके चलेंगे, बाय कर लिया अगर किसी का आएगा तो हम अभी नहीं भाई मना करेंगे, अभी तो मना नहीं करेंगे, कॉपी पे लिख लेंगे, और जब अपना सीजन ख़त्म हो जाए भाई राइस वाला, इसके बाद आएगा भाई कणक लगाएंगे, कणक बीट लगाएंगे भाई इस बार लोग सभी, बीट है जो फसल काफ़ी अच्छी हो जाती है भाई, पानी की खपत भी नहीं मतलब कि बारिश से ही सब कुछ हो जाता है, पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं लगती है, और दवाइयों का खर्चा भी बहुत ज़्यादा कम है भाई बीट लगाने के बावजूद। भाई ये नए मॉडल का भाई आइशर भी खींच ले रहा है यार इसको मशीन को, मैंने देख के हैरान हो गया भाई, मैंने डाली थी मेरे दोस्त का आइशर है ना आपको पता ही है, उसके पीछे डाली थी भाई, पर उसने घुमा दिया था इसका मतलब कि कटर वगैरह घुमा दिया था ये वाला भाई, पर तूड़ी नहीं बनाई थी उस वक्त, तूड़ी नहीं थी भाई हमारे पास, तो मैं सोच रहा हूँ भाई उसको भी टेस्ट किया जाए, पर अभी नहीं थोड़ा टाइम बाद, अभी तो सीजन चल रहा है भाई ऐसे पंगे करने के लिए फ्री टाइम होना चाहिए। ये लो भाई 2 ट्रॉली बन चुकी है, उसने कहा था भाई 2 ट्रॉली चाहिए जैसे तैसे, बाकी आपको चाहिए तो आप ले लेना मेरे खेत से, मैंने कहा भाई मेरे पास जरूरत नहीं है, मेरे खुद के भाई खेत से मैंने हटाई पराली, तो ऐसे कौन बैक करेगा दोस्त, ऐसे कर पाएगा कोई बैक जैसे अभी दोनों ट्रैक्टर हैं और ट्रॉली भी बैक करनी है सही सलामत, तो यहाँ पर भाई हैवी ड्राइवर चाहिए। ओहो ये क्या हो गया, समझ नहीं आया मुझे झटका कहाँ से लगा, इसने तो नहीं हरकत की किसी, तो अभी देखो यार अभी ट्रॉली कौन मोड़ेगा यार, देखो मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ पर कोई इसमें हैवी ड्राइवर चाहिए भाई, हैवी अपना घर तो ये है यार, घर बोल चुका हूँ, इसमें हैवी ड्राइवर चाहिए दोस्तों, हैवी पाइप अनफोल्ड हो जा, अरे न्यू होलैंड भी धो के खड़ा करना है, पानी वाला सिस्टम इधर लगा भाई अपना, वो देखो तूड़ी वाली मशीन यहाँ लगा देते हैं, इनको यहाँ पर खड़ा करते हैं, इस बार न्यू होलैंड
स्कॉर्पियो में थोड़ा कम है भाई, ये तो 855 भागने को रहते हैं। न्यू हॉलैंड से लेके चलते हैं ट्रॉली उसकी, क्योंकि अभी थोड़ा मुश्किल है भाई। 855 का लग नहीं रहा भाई मुझे होगा, क्योंकि इसकी चाल बहुत ज़्यादा है भाई, गेड़े बहुत ज़्यादा हैं। इसका हम मीडियम में लगा लेंगे, मीडियम लगा लेंगे उसका भाई, मीडियम नहीं है सीधा हाई गेयर है, लो में गेड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इधर यार अभी घूमेगा नहीं, इसकी कटाई कम है यार, स्टेयरिंग की कटाई इसलिए कम है क्योंकि लगाया हमने आपको पता है वो बड़े टायर लगाए हैं मॉडिफाइड। अरे रास्ता तो सभी तरफ खुला ही है भाई यार, ऐसे निकल जाओ। अपनी कंपाइने भी खेत में हैं और भाई काटनी भी है, तो अभी मैं बता दूँ यार, जो जिसका मैं खेत काट लूँगा तो उसको मतलब कि घर में भाई सेल नहीं करनी है, घर में फेंकानी है, मतलब माल है उसके घर में फेंकना है। वो बोल रहा था भाई मैंने खाने के लिए रखना है, मंडी के लिए मैं खुद जाऊँगा। पता नहीं भाई आजकल लोगों में भरोसा हम पे कम होना स्टार्ट हो चुका है, लोग सोचते हैं भाई मंडी जाता है पैसे मार जाता है हमारे, तो कोई बात नहीं, हमें तो भाई हम ईमानदार आदमी हैं, हमें ऐसी ज़रूरत नहीं है भाई। अपना इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है यार, सब कुछ है ऊपर वाली की दया से, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, कंपनी है, तो हम क्यों हेरा फेरी करेंगे। लोगों में वहम है, कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। चलो भाई हम करते हैं अब ट्रॉली बैग पैक। अब भाई दूसरे घर में है करनी हो भाई, टायर है यहाँ पर, ट्रॉली यहाँ पर, और मेरी मुंडी कहाँ पर है। ड्राइवर तो भाई पूरा घूम गया होगा, सीट भी छोड़ दी होगी जैसे ये मुंडी घुमा के देख रहा है। यहाँ पे तो सही है बैठा है, पर मैं वैसे बोल रहा हूँ भाई अगर रियल लाइफ में देखना हो तो भाई पूरा मतलब कि खड़े होना पड़ता है। अरे इस तरफ क्यों देख रहा हूँ मैं, उस तरफ देखना चाहिए, इस तरफ मुंडी नहीं जाएगी अपनी, इस तरफ नहीं जाएगी, अभी तो वैसे ही जाना पड़ेगा यार, पास से घुमाना था। ये ट्रॉली नहीं होगी बैग, मैं भाई लिख के दे देता हूँ, इस जगह से हो नहीं होगी बैग, काफ़ी मुक्सल मुक्सल नहीं मतलब मुश्किल है, मुश्किल काफ़ी है यार। इन पावर स्टेयरिंग का भी यार, ये इसका पावर भाई लग नहीं रहा है, इसका भी तेल वगैरह बदलाना पड़ेगा। चल 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 घूम। ओहो ये नहीं भाई होगा आज, अपने को इधर ही टाइम होगा। नहीं भाई ये नहीं होगा मेरे ख्याल से, जितना मर्जी भाई हैवी ड्राइवर हो। देखो भाई कितनी जगह है यार, हो सकती है बैक यार, हो सकती है बैक, पर ट्रैक्टर को बैक करते हैं, इधर घुसाते हैं ट्रैक्टर को, और ट्रॉली तो अपनी बैक हो जाएगी। इसको भाई हटा देते हैं यार गेट को यहाँ से, ऐसे नहीं होगी भाई, वो जगह कम है, ट्रैक्टर का मतलब कि लग जाएगा भाई मरगाड़ मुरगोड़ या टायर डोर साइड में। ओहो ये भी फसल काटनी है भाई, इसका लास्ट में नंबर है, लास्ट में नंबर। ये भी ट्राई कर लेते हैं अगर होता है। कुर्सियाँ सुर्सियाँ लगी हैं भाई, देखो यहाँ होटल है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी बंद। ओहो यार ट्रैक्टर ये तूड़ी के ढेर पे चढ़ा दिया यार, ये तो काम मुश्किल है भाई, तूड़ी वाली मशीन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा भाई। आगे टेबल पे, ओ भाई टेबल से आर पार हो गया, ये तो अच्छी बात है भाई हमारे लिए, पर घर से नहीं आर पार होगा। चल 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 चल, ओ चल गया भाई। लो भाई अपनी ड्राइवर एकदम नंबर वन, दिमाग लगाना पड़ा, काम खुद ब खुद हो गया। पेड़ है भाई पीछे, पेड़ है, पेड़ तो काफ़ी पीछे है, ये पेड़ से टकरा गया। आगे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जगह फुल हो चुकी है अपनी। ये चल वो उसके घर में भाई रास्ता जन, ओ फंस गया, फंस गया, निकल गया, फंस गया भाई अपना न्यू हॉलैंड, निकल गया निकल गया भाई। तूड़ी है जो ऊपर तक फैल चुकी है, देखो भाई घर की छत तक छूने को आ रही है भाई तूड़ी। झटका लगा गया, सही है भाई बैठ भी जाएगी तूड़ी। लो भाई ट्रॉली हो गई खाली, अभी यहाँ से अपनी ड्राइवरी देखते हैं
मुड़ जाती है ट्रॉली कि नहीं? इसकी ब्रेक नहीं है भाई टायर की, तो बताओ भाई मुड़ेगी कि नहीं अपने से। इसके टायर की कटाई कम है यार, पहले वाले न्यू हॉलैंड सिंपल की काफ़ी कटाई थी। नहीं मुड़ेगी, चल 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 चल, ये हो गया पंगा भाई। इसकी चैसी लग गई पीछे, लो भाई आराम से। पर मुश्किल था भाई, बैक करके लगाना मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था यार। जगह का भाई एक आदमी का भी फ़र्क नहीं था बीच में, आदमी निकल सके। लो ओ लो लो भाई, लग गई ट्रॉली अपनी। लो न्यूजीलैंड को अंदर ही लगा देते हैं, उसको बाद में देखेंगे। तो कैसा लगा भाई आज का गेम पहले कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग कह रहे थे भाई तोड़ी बनाओ तोड़ी बनाओ, तो तोड़ी भी बना दी आपके साथ। देख ली आपने कैसे कितने ज़बरदस्त तरीके से तोड़ी बनाई, और लिंक मिल चुका है भाई इसका रिपर का, डाउनलोड नहीं किया जाके डाउनलोड करो लिंक इसकी भाई, जो देखा होगा आपने डाउनलोड लिंक मैंने दिया है, डाउनलोड वीडियो बनाई है। तो ठीक है फिर भाई, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।